प्रयागराज में संगम किनारे बना यह खूबसूरत दक्षिण भारतीय शैली में बना मंदिर प्रयागराज में शास्त्री ब्रिज से प्रवेश करते ही दूर से दिख जाता है। आदि शंकराचार्य की याद में बनाया गया दक्षिण भारतीय विमान शैली में बनाया तीन मंजिला मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन क्या आपको पता है ये मंदिर क्यों बनवाया गया था? इस मंदिर के बनने की कहानी भी काफी रोचक है। दरअसल कांची काम कोटी पीठ के शंकराचार्य जयंत सरस्वती ने इसे अपनी गुरु की इच्छा की पूर्ति के लिए बनवाया था। जयंत सरस्वती के गुरु शंकराचार्य चंद्रशेखर सरस्वती ने प्रयाग में 1934 में चातुर्मास किया और धर्मशास्त्रों के अध्ययन और स्वयं के तपोबल से उन्होंने यह जान लिया था कि इसी जगह पे कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य के बीच में संवाद हुआ था। उन्होंने ठीक इसी जगह पे आदि शंकराचार्य की याद में एक मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की जिसे स्वामी जयंत सरस्वती ने पूर्ण किया। 1969 में 16 पिलर पे इस मंदिर की नींव रखी गई थी और 17 मार्च 1986 में भक्तों के लिए खोल दिया गया। इस मंदिर की दीवारों और खंभों पर देवी देवताओं की कलात्मक मूर्तियों सहित रामायण के सुंदर चित्र भी बनाए गए हैं और यहाँ से पूरा संगम क्षेत्र भी दिखता है। उत्तर और दक्षिण भारतीय शैली के मिश्रण से बना यह मंदिर हिंदू धर्म के तीन संप्रदायों को एक साथ जोड़ता है। इस मंदिर में वैष्णव शैव और शक्ति तीनों संप्रदाय के लिए जगह है। इस मंदिर के प्रथम तल के गर्भगृह में देवी कामाक्षी की एक सुंदर मूर्ति है और यह तल 51 शक्ति पीठों को समर्पित है। दूसरे तल के गर्भगृह में वेंकटेश्वर बालाजी विराजमान है और यह 108 विष्णु पीठों को समर्पित है और तीसरे और आखिरी तल पे भव्य सहस्त्रलिंग स्थापित है जो 108 छोटे शिवलिंगों से घिरा हुआ है।